मेवाराम जैन का पावर आप में आ जाएगा। ये मेवाराम जैन का पंकज खांसता हुआ बुढ़िया को, अरे अरे धीरे धीरे धीरे, मेवाराम जैन कौन है? देखो दिख रहा है इतना बड़ा कटा था, टूच रहा था यहाँ पे। मेवाराम जैन की जय। राम राम जी, क्या हाल चाल? स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने धंधा स्टार्ट किया है कंडे बेचने का, ठीक है? अभी लकड़े फाड़ रहा हूँ, देखो बाहुबली। तो ये है पंकज जी। पंकज जी अब इस लकड़े को थोड़ा सा और फाड़ेंगे, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा इतने फट गए लेकिन थोड़ा सा बाकी है ये, तो इसको ये पंकज जी फाड़ रहे हैं। देखो स्टाइल इनकी अलग है, देखो। वाह, तो इतने सारे लकड़े फाड़ दिए क्योंकि पानी गर्म करना है हमको। तो आप सभी को पता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी नहाता हूँ और बॉडी भी अच्छी बन रही है क्योंकि देसी डाइट से बॉडी बनती है, ठीक है? अभी मैं नहा लेता हूँ जल्दी से, फिर आगे की प्रोसेस चालू होगी क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। वाह, आज तो फेवरेट सब्जी बनी है मेरी, मिर्ची के गट्टे बहुत ही शानदार लगते हैं। ये देखो, ये है प्योर देसी घी चूल्हे के पास रखा हुआ। इसके साथ में मक्खी की रोटी चूर के खाने में कितना आनंद आता है गाइस, सोचते ही पानी आ रहा मुँह में। पंकज जी आपको भी पानी आ रहा है मुँह में? ये देखो गाइस, इतना मक्खी का रोटा, इसको ऐसे मस्त चूरने का, इसमें गजब तरीके से चूरने से खाने में आनंद अलग आता है। ये देखो अभी एक घी डाल लेते हैं, ये घी देखो कितना आनंद आता है खाने में। तब मिर्ची के गट्टे, गाइस खाना वाना खा लिया है और अब जा रहे हैं हम बहुत बड़े काम पे। हम काम करते हैं ना, हम काम पे जा रहे हैं। ये पंकज पांडे जी कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहन के आप चलोगे मेरे साथ में मेरे को छोड़ने के लिए वहां पे, क्योंकि गाड़ी आपको चाहिए है ना। आपकी जो बोली का अंदाज है वो मुझे काफी लाजवाब लगता है, क्योंकि आप जो वर्ड यूज करते हो, आप जो शब्द यूज करते हो ना, उनका कहीं मोल ही नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द आप अपने ऊपर यूज करते हो, तो कैसा लगता है आपको? तेली नलादरी तो नदवे अर्धन किखे खेऊ तेल। ओ देख, ये ओ देख, ओ तेल अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड तेल है। अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड, दोनों में से एक वर्ड यूज आप चूज करना पड़ेगा आपको, अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड। अरे बड़ा ने नियम ओके करना कर तू, बड़ा नेम हूं तो ना क्या तू तो क्या बढ़िया था गुरु। हमारे घर पे, हमारे घर पे नल आ चुके हैं, नल आ गए और नली बांध दी मम्मी, उठ बांध दी की है वाट है नहीं रही हो, और तू ध्यान रख जी भाई, ध्यान रख जी, एक बार आतू चोकर दे, आतू चोकर। अरे तू जा रही, अरे यो पानी फुल आ रही हो टक, देख लो एक बार पानी। हाँ ठीक है, तो फ्रेश तो आई नहीं रही मम्मी बोल रही है ना, वर ना प्रेशर नारी उठा आवेगी बादी बादी भैया मम्मी की कह रही है, मम्मी कह रही प्रेशर ना वर ना उठा आवेगी बादी एक मतलब की बादी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड बोलते हैं हमारे घर वाले राजस्थानी भाषा में, जो रांगड़ी भाषा होती है हमारी खेरड़ी भाषा है उसमें। पंकज जी अपने हाथ में इत्र लगा रहे हैं, इत्र क्यों लगा रहे हैं आप? मुंह बाशू ये इत्र लगा के बाशेंगे, फेड़ू फेड़ू आज कटी जा रहा दिक्कत है, जो था जो आज इंतर लगा रहा था इंतर आप इसका ऐड कर सकते हो, हमें पैसे मिल जाएंगे इसके लिए, आप करेंगे? बस बस बंद हो गया, बस चलते हैं हम, मेरे को छोड़ दे तू, मेरे को काम करना है बहुत भारी, आज दिखाते हैं आपको हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी जा रहे हैं वहाँ पे गाड़ी लेके, और तू यहाँ बैठ गया वापस, खड़ा 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 नहीं होगा नहीं
हाँ नहीं होगा तो गाड़ी ये रही अपनी। चलो मम्मी मैं जा रही हूँ। कहते गाइज एक प्रॉब्लम और हो गई, हमारी गाड़ी की चाबी गुम गई तो हमने स्विच को ऑन कर रखा है। देखो चलो ये हमारा काम है, ये पाइप इतना बड़ा पाइप क्यों ऐसा ऐसे डाल देते पाइप को। पंकज लेके आ रहे हैं, डाल दे उधर, डाल दे बाहर फेंक दे इसको भी। हम ये इस पाइप को मतलब खेत पे लेके जा रहे हैं, पानी जाएगा ना तो पाइप में सही जाता पानी, इसलिए डोरी लेने आने दे। डोरी लेनी पड़ेगी ना, इनको बांध के लेके चलेंगे। मतलब डोरी चाहिए, डोरी इंद्रो इंद्रो लेट जहाँ मचाते जा रहा से ये बेंदी वो पाइप और पीछे खेत ले जाना। ये देखो भाई ये काम करते हैं हम, ठीक है खेत पे आके ये पानी जा रहा है अपने खेत में। मैं पाइप यहाँ लेके आया था सारे पाइप, और ये फावड़ा इससे काम करते हैं हम। यहाँ से फ्री होके चलते हैं घर पे। फिर हम खेत से निपट चुके हैं, मैंने घर जाने के बोला था लेकिन घर नहीं जा पाए क्योंकि हम कर रहे हैं हमारे खेत की चारों ओर बाड़। ये पंकज पांडे जी काट रहे हैं, ये काट रहे हैं बुलिया काट के हम बाड़ कर रहे हैं। आप बुलिया काट रहे हो? एक बात याद है आप मेरे को, क्या आप मेवाराम जैन को जानते हो क्या? मेवाराम जैन कौन है बताइए आप? बुलिया खांसते बताइए आप मेवाराम जैन कौन है? बाहुबली की तरह खांचो, मेवाराम जैन का पावर आप में आ जाएगा। ये मेवाराम जैन का पंकज खांसता हुआ बुलिया को, अरे अरे धीरे 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 मेवाराम जैन के काटा पक जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आप बताओ, अब इधर देखो मेवाराम जैन कौन है? गाइस मेवाराम जैन को पंकज पांडे जानता है लेकिन वो मतलब सही तरीके से बयान नहीं कर पा रहा है उनको कि मेवाराम जैन असल में है कौन। बहुत ही वाख्यात ये प्रश्न पूछ लिया मैंने, लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी था हमारे व्यूवर्स के लिए। मेवाराम जैन ने बोला मेरी बातें मत करो वरना मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं अपने मुंह से कुछ भी निकल सकता है, मेवाराम जैन बोल रहा है। क्यों पंकज जी? इसमें अब जो अपनी क्वालिटी आती है ना कैमरे की, एक नंबर क्वालिटी है। आप भी मेवाराम जैन की तरह दिख रहे हो। गाइस बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मेवाराम जैन ने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी। कांटा पक गया मेरे पैर में, बहुत ऊंडा कांटा पक गया गाइस। अभी मैं दिखाता हूँ खोद के ना, बाप रे दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन मेवाराम जैन की काटा बहुत ऊंडा बग गया गाइज। ये देखो गाइज इतना ऊंडा काटा, ये सब बारीक काटा देखो, बहुत दर्द कर रहा था। ये देखो दिख रहा है इतना बड़ा काटा था, टूच रहा था यहाँ पे, बहुत दर्द हुआ मेरे, इसलिए मैंने फटाफट इसको निकाल दिया। मेवाराम जैन की जय। तो फिलहाल गाइस शाम होने वाली है और हम पंकज और हम यहाँ पे मतलब छड़ियाँ खाँच रहे थे, इतनी बाढ़ करनी ना हमको तो हम छड़ियाँ खाँच रहे थे इतनी सारी, चार पांच डिशे हमने खाँच दिए और पंकज भी ये बैठा हुआ है। शाम होने वाली है तो हम इन सारे डिशों को यहाँ चिपका के इस बाढ़ पे चिपका के फिर जाएंगे घर पे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, फॉलो किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेवाराम जैन भी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत रोमांटिक आदमी है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।